हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ IQ Z7 Pro, जिसमें कि मैं बताने वाला हूँ कि आप फिंगरप्रिंट लॉक या फिर स्क्रीन लॉक या फिर पैटर्न लॉक होता है या फिर यहाँ पे ऐप लॉक होता है, उसे यहाँ पे आप कैसे लगा सकते हैं। चलिए मैं इसी के बारे में फुल डिटेल के साथ बताऊंगा और यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे यहाँ पे आपको जो कि यहाँ पे अपने स्क्रीन लॉक या फिर यहाँ पे फिंगरप्रिंट लॉक या फिर जो भी लॉक होता है वो आप कैसे लगा सकते हो। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मैं हूँ मनजीत कुमार और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल स्टूडेंट अपडेट 2.0। तो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा यहाँ पे कि आप कैसे यहाँ पे फिंगर लॉक भी आप आसानी से लगा सकते हैं, साथ में पैटर्न या फिर पासवर्ड हो जो भी लॉक हो, मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप आपको लाइव प्रूफ करके बताऊंगा, लगा के बताऊंगा। और चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ले चलो अपने फोन डिस्प्ले पर जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं फिर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको बगल में बेल आइकन घंटे दिख रहा हूँ उसे प्रेस कर लीजिए, जिससे कि फायदा हो कि मैं कोई वीडियो डालूँ जिसका नोटिफिकेशन आपके एंड्रॉइड में जो सारी अपडेट आपको जानकारी मिलती रहे। फिलहाल चलिए मैं ले चलता हूँ डिस्क करो, वहाँ पे बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसा जहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट लॉक या फिर स्क्रीन लॉक लगाना है। यहाँ पे देखिए मैं पर डिस्प्ले पर आ गया और यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे IQ Z7 Pro में आप यहाँ पे फिंगरप्रिंट लॉक या फिर स्क्रीन लॉक या फिर जो भी ऐप लॉक होता है उससे आप कैसे लगा सकते हो। चलिए यहाँ पे सबसे पहले लगाने के लिए आपको सेटिंग्स वाले एप्लीकेशन को ओपन करनी होगी। तो चलिए मैं यहाँ पे सेटिंग वाले एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल के आने, नीचे स्क्रॉल के आने का एक ऑप्शन आपको शो करेगा यहाँ पे सिक्योरिटी ऑप्शन, जो कि यहाँ पे सिक्योरिटी पे आपको क्लिक कर देने होंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल के आइएगा तो यहाँ पे स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट लॉक, फेस लॉक आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्क्रीन लॉक लगाना होगा, फेस जो फेस लॉक या फिर यहाँ पे फिंगरप्रिंट लगाने से पहले यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे स्क्रीन लॉक लगाना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे स्क्रीन लॉक लगा देता हूँ। लगाने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पे देखिए फर्स्ट में नन है जो कि अभी नहीं लगा हुआ है लॉक, उसके बाद यहाँ पे स्विक का ऑप्शन दिखेगा, उसके बाद यहाँ पे पैटर्न का ऑप्शन दिखा, उसके बाद पिन का ऑप्शन दिखा, उसके बाद कम्प्लेक्स पासवर्ड कोड। जो पैटर्न लगाना चाहते हैं पैटर्न भी आप लगा सकते हैं, पिन लगाना चाहते हैं पिन भी लगा सकते हैं, कम्प्लेक्स पासवर्ड लगाना चाहते हैं वो भी आप लगा सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे पैटर्न लगाना चाहता हूँ तो पैटर्न लगाता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे फटाफट पैटर्न लगा दिया। लगाने के बाद नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद फिर से यहाँ पे वही सेम टू सेम आपको यहाँ पे जो भी पैटर्न है वो लगाना है, उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। कन्फर्म पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे लॉक लगाने के बाद आपका जो मैसेज आता है प्राइवेट मैसेज या फिर जो बैंक वाला मैसेज या फिर जो भी मैसेज आए वो यहाँ पे शो हो या नहीं हो इसके यहाँ पे दिया होता है। शो होना है तो फर्स्ट वाले पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे डोंट शो नोटिफिकेशन ऑल तो यहाँ पे इस पर आपको क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो लॉक रहेगा फोन, तो उसके बाद यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन है वो नहीं दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल का बैक आ जाएगा, बैक आने के बाद यहाँ पे आपको सेकंड में फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन शो हो रहा है तो फिंगरप्रिंट पे आपको क्लिक करना है। फिंगरप्रिंट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे पैटर्न में जो भी आप पैटर्न लगाए वो पैटर्न दे देनी होगी। देने के बाद यहाँ पे फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन आपको लगाने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करना है स्टार्ट पे क्लिक कर देना, स्टार्ट दिया हुआ है तो स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको फिंगर लगाना है, जो भी यहाँ पे फिंगर आप लगाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए फिंगर आपको यहाँ पे करके लगा देने हैं, जो फुल कर देना जो भी आपको जैसे फुल हो आपको फुल कर देना, तभी आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट लॉक लग पाएगा। चलिए मैं आप फिंग लॉक करके दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर दूसरे फिंगरप्रिंट को ऐड करना चाहते तो यहाँ पे ऐड अनदर जो कि फिंगरप्रिंट है यहाँ पे लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप डन भी कर सकते हैं। डन करने के बाद यहाँ पे आपका जो कि फिंगरप्रिंट ऐड हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं वेरीफाई फिंगरप्रिंट भी आप कर सकते हैं या फिर कोई और फिंगरप्रिंट ऐड करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट में भी है, देख सकते हैं फिंगरप्रिंट ऊपर में शो रहा हो तो यहाँ भी फिंगरप्रिंट में सारा यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ क्या करना, फिंगरप्रिंट में अगर यहाँ पे आप ऐप के लिए लॉक लगाना चाहते हैं ना तो यहाँ पे ऐप में लॉक लगाना तो इसे इनेबल कर दीजिएगा और ऐप में लॉक लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्राइवेसी ऐप इंस्क्रिप्शन यहाँ पे देख पा रहे हो इंक्रिप्शन, तो यहाँ पे क्या करना इसे इनेबल कीजिएगा तो आपको जो ऐप में लॉक लगाए हैं आप उसको यहाँ पे खोजेगा। तो चलिए यहाँ पे फटाफट डालता हूँ, डालने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको इनेबल हो जाएगा। उसके बाद एनिमेशन स्टाइल आप सेट करना चाहते हैं, यहाँ से एनिमेशन आप स्टाइल भी सेट कर सकते हैं कौन सा फिंगरप्रिंट का एनिमेशन होना चाहिए, तो यहाँ पे जो आपको अच्छा लगे वो अप्लाई कर दीजिएगा। और बहुत सारे यहाँ पे देख पा रहे हैं ये भी है यहाँ पे देख पा रहे हैं इस तरह का, तो यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल मैं सारा अप्लाई कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे बैक आ जाने, बैक आने के बाद यहाँ पे बात आती है फेस लॉक की, तो यहाँ से फेस लॉक कैसे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे फेस लॉक पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आपको फटाफट यहाँ पे जो भी यहाँ पे है वो डाल दीजिए। डालने के बाद यहाँ पे स्टार्ट इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आई हैप पे टिक कीजिएगा, टिक करने के बाद आई एग्री पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे देखिए जो कि मैंने यहाँ पे फोटो अपना दे दिया, उसके बाद यहाँ पे क्या करना ओके कर देने होगी। ओके करने को यहाँ पे सारा आपको यहाँ पे सोशल मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए पैटर्न लॉक आपको मांगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे फेस लॉक लगा हुआ है तो फेस लॉक से खुल रहा है और पैटर्न लॉक यहाँ से पैटर्न भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको
फिंगरप्रिंट या फिर पैटर्न आपको दिखा दें। तो इस तरह का यहाँ पे IQ Z7 Pro में आप अपना फिंगरप्रिंट लॉक, फेस लॉक या फिर अपने पैटर्न लॉक लगा सकते हो। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट अपने यूट्यूब चैनल 1KG सपोर्ट पर।